हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नए जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन इंश्योरेंस कंपनी बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से। बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस हायरिंग कर रहा है लाइसेंस्ड इंश्योरेंस एजेंट की एज रिमोट जॉब। ये आपकी फुल टाइम जॉब रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर आपकी इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी है, जो आपकी एक टीम लीडर का वर्क होने वाला है। आपको जो भी कस्टमर्स इनके रहते हैं, उनकी जो भी क्वेरीज है उसको सॉल्व करनी है, और आपके अंडर में जो भी टीम रहती है उसका आपको मैनेजमेंट करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने इतना दे रखा है। जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कुछ खास डिटेल्स नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसमें अप्लाई करके देखा, तो जब मैंने इसमें अप्लाई किया तो मुझे जो रिजल्ट आया उसमें आया कि आप शॉर्टलिस्टेड हो गए हो, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। तो अब जब शॉर्टलिस्ट होने के बाद जो इन्होंने मुझे फॉर्म दिया है, इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है, तो मैं आपको डिटेल्स बता देती हूँ। तो डिजिग्नेशन आपको पता ही है, रिटेल पार्टनर टीम लीडर, ये आपका मेन रोल रहने वाला है, रिटेल पार्टनर हो और टीम लीडर, ठीक है। तो चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इसकी मैंने जो पढ़ी तो ये आपकी सेल कम मैनेजमेंट कि आपकी ये रोल रहने वाला है, मतलब आपको टीम मैनेज करना है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 20% सेल प्लस 80% मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपका ये टीम लीडर का वर्क है, आपके अंडर में जो लोग भी वर्क करते हैं उनको आपको मैनेज करना है, और प्लस आपका सेल का भी वर्क रहने वाला है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक टारगेट बेस्ड भी रहने वाला है। आपको यहाँ पे इंसेंटिव भी मिलेगा, कमीशन भी मिलेगा, फिक्स्ड सैलरी भी मिलेगी, पीएफ भी मिलेगा, मतलब आपको एज टीम लीडर भी आपको जो भी है सैलरी वगैरह वो भी मिलेगी, और इसके अलावा एज एजेंट भी अगर आप वर्क करते हो तो उसका भी आपको कमीशन मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दे रखा है बेसिक सैलरी यहाँ पे 19,000, ठीक है, प्लस पीएफ प्लस जीआर प्लस ईएसआईसी प्लस हायर इंसेंटिव्स रिवॉर्ड्स रिकॉग्निशन एंड कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो मतलब 19,000 तो आपकी बेसिक सैलरी है, प्लस आपका जो कमीशन रहता है अगर आप सेल करते हो, जो भी पॉलिसी सेल करते हो आप, तो उसका भी कमीशन मिलेगा, कुछ इंसेंटिव भी मिलेगा, ठीक है। तो इंसेंटिव उनकी तरफ से मिल सकता है कि जो आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी सेल अगर होती है तो आपको इंसेंटिव्स मिल सकता है, और आप जो पॉलिसी भेजते हो उसका कमीशन मिल सकता है। तो मतलब मिनिमम बेसिक तो 19,000 है ही, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो एजेंट्स रहते हैं आपके, ठीक है, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या रहती है कि अगर पॉलिसी बिकी तो उन्हें पैसे मिले, नहीं बिकी तो नहीं मिले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। और रही बात अगर टारगेट बेस्ड की, तो देखिए इंश्योरेंस एजेंट का वर्क तो एक तरह से देखा जाए तो टारगेट वाला ही है, अगर आप वो नहीं बेचेगा तो उसकी इनकम ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो ये अच्छा है कि अगर आप पॉलिसी बेचते हो तो उसके पॉलिसी का तो कमीशन मिलेगा ही, साथ में साथ आपको बेसिक सैलरी जो 19,000 की है वो भी मिलेगी, ठीक है। तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो जनरली देखने को नहीं मिलती है। अब इसमें देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है। इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, ठीक है। जनरली जो इंश्योरेंस एजेंट के लिए कहीं हाई स्कूल और ट्वेल्थ ऐसा कुछ मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए आपको। डिवाइस में देखिए यहाँ पे स्मार्टफोन इंटरनेट कनेक्शन मांगा है, कोई लैपटॉप वैपटॉप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड आधार कार्ड, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, स्किल गुड कम्युनिकेशन स्किल, जनरल बिजनेस स्किल, टीम मैनेजमेंट, ठीक है, ओके। IRDAI एग्जाम, देखिए ट्रेनिंग एंड एग्जाम फीस, तो देखिए ये आपको पता ही होगा कि इंश्योरेंस की कंपनी में वर्क करने के लिए आपको IRDAI का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, तो ठीक है ये 585 रुपीज ये फीस लेंगे, वो जनरली हर जगह लिया ही जाता है, आपको पता ही होगा। और उसके बाद आप IRDAI का एग्जाम देंगे, फिर उसको क्वालिफाई करेंगे। वाई बिकम एंड रिटेल पार्टनर विद बजाज अलायंस लाइफ, ठीक है। तो ये इन्होंने थोड़ी सी पॉजिटिव चीज़ें लिख रखी है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, अर्निंग अपॉर्चुनिटी, पर्सनल डेवलपमेंट, करियर ग्रोथ, बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट, ठीक है। फिर आता है कंप्लीट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने जो प्रोसेस दे रखा है उसमें आपको रजिस्टर करना है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होना है, फिर ट्रेनिंग होगी, फिर एग्जाम होगा, फिर अपॉइंटमेंट होगा, ठीक है। मतलब पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हो, जो मैंने आपको पहले वाला फॉर्म दिया था, फिर आपको मेल आएगा तो ये वाला फॉर्म आएगा, फिर उसमें आप रजिस्टर करते हो, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हो, फिर आप सेलेक्ट होते हो, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद आपका एग्जाम होगा, उसको क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट होगा, ये पूरा प्रोसेस आपका रहने वाला है। यहाँ पे देखिए लिखा है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी,
ठीक है। तो एक तरफ यहाँ पे उन्होंने ऊपर दे रखा था कि आपका फुल टाइम वर्क है, ठीक है, और जो भी रोल ही बता रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि आपका फुल टाइम ऑफिस वर्क जैसे होता है वैसे होगा, लेकिन यहाँ पे इन्होंने टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रखी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये पूछने वाली बात होगी, हालांकि जिस तरह से ये बता रहे हैं उस तरह से ये आपका फुल टाइम वर्क भी रहने वाला है, और इसके अलावा आप एज एजेंट भी वर्क कर सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पे आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, ठीक है, और उसके ऊपर जो भी आप कमीशन है, जो भी आपका इंसेंटिव है, मतलब कम से कम अगर आप अच्छा वर्क करते हो तो समझिए आपकी 25,000 मिनिमम तो हो ही जाएगी, ठीक है, क्योंकि 19,000 तो बेसिक ही है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग लाइफ इंश्योरेंस की फील्ड में जाना चाहते हैं। इसका जो अप्लाई लिंक है वो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो उसमें जाकर के आप अप्लाई कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।